हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मार्स रिपोर्ट ऑटोमेशन से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट पावर बीआई। तो पावर बीआई में हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस है। ये एसक्यूएल डेटा आप देख पा रहे हैं, मैं इसको राइट क्लिक करके करता हूँ सिलेक्ट। ये डेटा है, इस डेटा को मुझे कनेक्ट करना है अपने पावर बीआई में, और मुझे इस पे एक रिपोर्ट बनानी है, एक डैशबोर्ड बनानी है, कुछ इस तरह के डैशबोर्ड। तो चलिए हम बनाते हैं आपके साथ। तो यहाँ हम फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछेगा सर्वर नेम, तो यहाँ मेरा सर्वर नेम है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा और कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ सर्वर नेम आता है। सर्वर नेम को लिया, कर दिया। और डेटाबेस नेम क्या है? AUG, AUG, यहाँ पे AUG इंपोर्ट हो रहा है, डायरेक्ट क्वेरी नहीं है। उसके बाद यहाँ हमें करना है, करंट डेटाबेस है वो इसी को लेना है कनेक्ट, कनेक्ट करते हैं। और इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ डेटा है, डेटा यहाँ सारा दिख गया, और इसको लोड करते हैं। लोड हो गया, बस सारे फील्ड्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल सेल चाहिए, ओवरऑल बिलिंग चाहिए, जीएसटी और कमीशन सबका यहाँ पे स्टैट चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे न्यू मेजर्स पे चलते हैं, और न्यू मेजर्स पे यहाँ हम देते हैं टोटल सेल्स, और यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे हम टोटल को सेलेक्ट करते हैं। टोटल सेल का आ गया। अगेन न्यू मेजर्स करते हैं, यहाँ पे टोटल जीएसटी, और अगेन सम जीएसटी को सब सम कर लिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे हम करते हैं न्यू मेजर्स, यहाँ पे हम टोटल बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे देना है हमें यहाँ पे कमीशन, टोटल कमीशन, और यहाँ पे सम, और सम के अंदर में कमीशन को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, टोटल कमीशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया ग्रांड टोटल, जी टोटल, और यहाँ पे सम जी टोटल को सिलेक्ट करते हैं, इंटरफेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है, हम बनाना चाहते हैं बिल, बिल टोटल बिल, और यहाँ हम काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, आईटी को काउंट कर लेंगे। ये मीटर्स निकल गए। अब यहां से मैं कार्ड पकड़ूंगा, कार्ड के ऊपर पे मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल सेल डालूंगा, इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर व्हाइट की जगह पे ब्लू, और इसमें डेटा लेबल ब्लैक की जगह पे व्हाइट, यूनिट जो है किसमें मिलियन में, तो ऑटो की जगह पे मैं नन कर दूंगा, तो टोटल अमाउंट आएगा, लेकिन इसके थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा।
उसके बाद नीचे जो टोटल सेल्स आ रहा है, डेटा लेबल आ गया, कैटेगरी इसको भी व्हाइट कर देते, बस हो गया। उसके बाद अगेन हम एक और लेबल देते हैं, इस लेबल को यहाँ रखते हैं, इसमें हम अपना टोटल जीएसटी डालते हैं और सेम जो है कम और कर सकते हैं, हम इसी को कॉपी कर सकते हैं। इसी के ऊपर हमने डाल दिया। और इसके हम आते हैं टोटल सेल्स को हटाते हैं, तो इसके जगह पे हम जीएसटी कर देते हैं। तो इसमें फायदा हुआ कि हमें जो है फॉर्मेटिंग ना करना पड़ा, बार बार जो फॉर्मेटिंग हम करते थे वो फॉर्मेटिंग नहीं करना। उसके बाद फिर यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एक और यहाँ रखते हैं। इसमें टोटल सेल के जगह पे हमारा टोटल कमीशन, अब इसमें जो है मुझे इसका डेटा का साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा। हम डेटा लेबल सेम इसका भी, इसको भी। अब मैं यहां से इसको छोटा कर देता हूं, इसको भी छोटा कर दिया। और इसको भी छोटा कर, इस पे यहां से हम राइट क्लिक करके कॉपी, कॉपी विजुअल और पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी उठा के यहाँ आगे रखता हूँ। इसमें हम रखते हैं अपना टोटल सेल, ग्रांड टोटल, टोटल सेल नहीं ग्रांड टोटल, इसमें होगा टोटल सेल और टोटल जीएसटी हो गया, एक हमारा जी टोटल यहाँ ले लिए। इसको कॉपी करके इस जगह पे एक और पेस्ट करते हैं और इसमें हम डाल देते हैं अपना टोटल बिल। ऊपर हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ हम दो चार्ट लेते हैं, एक में हमारा टोटल बिल रखते हैं 750 का, इसमें अपना जो है सेट कर सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, एक और लेते हैं यहाँ पे, और इसमें हम ग्राउंड टोटल का डैशबोर्ड लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं अपना कॉलम चार्ट लेता हूँ, कॉलम चार्ट में हम यहाँ पे आपके सामने नेम वाइज टोटल बिल लेंगे,
उसके बाद यहाँ मैं जी मैप चार्ट लूंगा। और इसमें मैं अपना सिटी लूंगा और सिटी में हम टोटल सेल्स लेते हैं। और पाई चार्ट लेता हूँ, पाई चार्ट में मैं यहाँ पे जोन को डाल देता हूँ, जोन वाइज टोटल ग्राफ। और इसका जो हमारा पेज का ये है बैकग्राउंड है जो कि व्हाइट है, ये रिपोर्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इस रिपोर्ट को आप यहाँ से पब्लिश कर दें, पब्लिश जो है ये सेव हो जाएगा, सेव होके पब्लिश हो जाएगा। उसको फिर आप अपने हिसाब से इंटरनेट पे जाके उसको शेयर कर सकते हैं और बाकी जो करना है कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो फाइल पे जाके पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ लाइव और भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में है डाला हुआ है। साथ में मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए। थैंक यू।